महाराज जी आपके लिए थोड़ा राशन सामग्री थी, इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है और इसमें महाराज जी मूंग की दाल है और महाराज जी आपके लिए सरसों का तेल है, इसमें महाराज जी आपके लिए आटा है और इसमें महाराज जी चावल हैं, नमक है महाराज जी आपके लिए और ये मसाला है। तो महाराज जी अब टिक्कड़ प्रसाद बनेंगे क्या? हाँ, आप टिक्कड़ बनाएंगे। हाँ, तो भोग का समय हो जाएगा, 10 बजने वाला ही होगा और 10-10:30 बजे हमारा भोग प्रसाद लग जाना चाहिए। फुलका बनाएंगे अब। तो फुलका बना करके भगवान को भोग लगाएंगे जी, और भोग लगा के अपना पा लेंगे, फिर इसके बाद भजन में बैठ जाएंगे जी। जो भी भजन आदि होता है तो अपने भजन में बैठ जाएंगे जी। स्नान ध्यान बना करके बस हो गया। पा लीजिए, बन रहा है, पालो फिर जाना आगमन। महाराज जी आप अपने हिसाब से बनाइए, मैं पा के आया हूँ। हमारा हमारी कुटिया में आए हो, अतिथि देव होते हैं जी, अतिथि की समान हो हमारे, ठीक है। और हमारा जो होता है तो करने के लिए तो करना ही चाहिए हमें। तो महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं कि? हाँ, एक ही बार बनता है। अच्छा, तो क्या क्या बनाया करते हैं महाराज जी? तो जो बन गया, अब जैसे बन गया वैसे बना लेते हैं। जैसे आटा भट, आलू सालू भूंज लें, टमाटर भूंज लें और फुलका बना लें, बस हो गया। महाराज जी इसके पहले आप कहाँ कहाँ भजन साधना किए हैं? हाँ, तो घोर जंगल में किए हैं कि कोई जानता है कोई नहीं जानता जी, ठीक है। अभी के जो नए नए हैं तो नहीं जानते कौन कौन से जंगल में पहाड़ियों में रहे हैं, कौन कौन से पहाड़ में रहे हैं, पर तो हमें सबको विस्तार भी नहीं करना और ये और हमसे मतलब उतना नहीं रहता। तो महाराज जी जैसे इतने बीहड़ जंगलों में आप रहकर भजन साधना किए हैं, हाँ, तो आपको डर नहीं लगता था जंगली जानवर से? नहीं, नहीं, नहीं। महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? हो जाती है, जैसे थोड़ी बहुत प्रभु बोल दिए हैं किसी को, कोई में कोई बहाना से आ ही जाता है कोई में कोई जी, कि कोई कहता है संतों के दर्शन कराएं, कोई कहता है संतों से दरबार ही कराएं। और जैसे दान पुण्य का भी हमारा एक महत्व होता है। आप बोले कि महाराज जी इतने घोर जंगल में रहते थे, क्या करते थे, क्या करना था, तो आप इतना हमें राशन लेके आए हुए हैं प्रभु की इच्छा से जी, ठीक है, पर तो हम तुम्हारा राशन खाएंगे, डायरेक्ट खाने लगेंगे तो इस पाप को कहाँ रखेंगे हम जी, ठीक। और दोबारा जो अनुष्ठान करेंगे हम जी, तो उसका फल तुम पूरा ही ले जाओगे, ठीक। तो हमें क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा प्रभु। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए हम संत महात्मा पहले से ही अपना लिए ये श्रद्धा बनाए रखते हैं, क्योंकि उचित समय पर आने पर एक काम देती हैं। और पाप पुण्य के तो दो घड़े होते हैं जी, ठीक है। उन घड़ों में अगर जितना पाप करोगे उतना पाप बढ़ जाएगा, जितना पुण्य करोगे उतना पुण्य भर जाएगा। उन्हीं पाप पुण्य के ही घड़ों से आपका शरीर का निवारण होता है। और यहाँ ये आपका चूल्हा यहीं पर बनाते हैं? हाँ, यहीं पर बनाते हैं, कंडे की आग में। हाँ, यही कंडे की आग में जी। और दोस्तों महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया आप देख सकते हैं जो तिरपाल डालकर बनाए हैं, और नीचे आप देखेंगे तो पानी भर जाता है, तो रात में तो दिक्कत तो होती ही है। महाराज जी की तिरपाल भी छोटी है, कुटिया थोड़ा बड़ी है, तिरपाल छोटी है। महाराज जी आपके लिए हम तिरपाल की व्यवस्था करवा देंगे, ठीक। और महाराज जी आप बर्तन के लिए कुछ बोल रहे थे? हाँ, बर्तन के लिए अगर हो सके, अब जैसे एक ही में है इसी में, और टूटा बहुत दिन का हो गया जी, बहुत पुराना भी हो गया, तो इसमें ही बनाते रहते। ये महाराज जी तो आपका टूट गया है पूरा। हाँ, तो क्या करें प्रभु। अच्छा, इसके किसके द्वारे जाए मांगने जी, ठीक है जी। हम किसी के द्वारे मांगने नहीं जाते हैं। अच्छा, जो प्रभु हमारी कुटिया ले आता है उसी को पा लेते हैं, नहीं लाता तो नहीं पाते। अच्छा, तो महाराज जी आपको कौन कौन से बर्तन चाहिए? एक तवा चाहिए, और तवे चाहिए था, थाली चाहिए था जी, और
बटुई वटुई चाहिए था जी जी, और जैसे भगवान के लिए पात्र भी थोड़ी चाहना था। भगवान के लिए मतलब कैसे पात्र लगते हैं महाराज जी? भगवान के लिए पात्र लगते हैं थोड़ी छोटी छोटी फूले की थाली लगती है। अच्छा, और वही में घंटी वंटी लग जाती है। हाँ, और बस और हो गया। अच्छा, और प्रभु के अब जैसे तुम आते जाते रहते हो, अगर सेवा में हमारे लगे हो जी, तो थोड़ी थोड़ी सेवा करते जाओ, हमारी करो चरणी करो, हमारे प्रभु के करो, उन्हीं से तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो हमारी सेवा करने से कुछ नहीं होगा, हम क्यों कहें हमारी सेवा करो, हम उन्हीं की कर रहे हैं, हम अपनी सेवा कराएं, बताओ जी। मेरी हमारी ना करो, तुम प्रभु की सेवा करो जी। देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी अपना टिक्कड़ प्रसाद बनाते हैं, काफी मोटे मोटे टिक्कड़ बनाते हैं महाराज जी। इतने मोटे बनाया करते हैं? हाँ, इतना ही मोटा बनाते हैं। अच्छा, कितने मोटा पाते हैं? तो 24 घंटे में जैसे एक बार महाराज जी बनाते हैं फिर भूख नहीं लगती? हाँ, नहीं लगती हमारे जी। अब सोच रहे थे, एक भक्त तो बोल रहा था कि अगर कोई व्यवस्था नहीं है महाराज तो दूसरा स्थान ले लो। तुमको हमें स्थान की जरूरत नहीं है, हमें झोपड़ी ही सही है जी। और बोले महाराज जी ऐसा है कि झोपड़ी तो सही है, पर तो बारिश में तुम्हें दिक्कत मिलती है। तो महाराज जी लकड़ी भी गीली हो गई है आपकी? लकड़ी गीली हो जाती है, फिर इसी तरह के खंजर से लाते हैं। हमारे पास वो से अस्त्र शस्त्र तो है नहीं है। हाँ, कि मोटे मोटे ले आए जी, तो हम ऐसे ही हाथ से टोल लाते हैं थोड़ी बहुत, बस हो गया। महाराज जी जंगलों से लाते होंगे? हाँ, जंगल ही से लाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए, हमें भी लालसा रहती है कन्या भोजन को। वो कन्या ही एक हमारी आद शक्ति है, वो प्रभु का ही एक जोड़ा है, वो ही कन्या ही हमें उद्धार करती है। ठीक है, कन्याओं की ही गर्भ से सृष्टि चलती है। ठीक है, आज कन्या है, हमें उन्हें पूजेंगे, वो लक्ष्मी है। ठीक है, पूजना होती है, हम जैसे अनुष्ठान करते हैं तो पहले कन्याओं को बुलाते हैं। अब अनुष्ठान हमारा चालू हो जाएगा तो इस अनुष्ठान के पहले हम दो 11 12 11 है, 21 है, 7 हैं, कन्या